आज हम बनाएंगे क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज सोलारा एयर फ्राई में। एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला डिजाइन। सोलारा एयर फ्राई में है अनेक प्रीसेट कुकी मोड्स, आसानी से खुलने वाली बास्केट जो बनी है हाई ग्रेड नॉनस्टिक कोटिंग के साथ। तो चलिए बनाते हैं क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज। सबसे पहले बड़े आलू लेकर उनको अच्छे से छील लीजिए। अब इन्हें 1 सेंटीमीटर मोटे स्लाइसेस में काट लीजिए। इन स्लाइसेस को अब हम लंबाई में 1 सेंटीमीटर की स्ट्रिप्स में काट लेंगे। इस प्रकार से सारे के सारे आलू को आप फ्रेंच फ्राइज बनाकर काट लीजिए। इन्हें अब हम अच्छे से पानी से धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद ये पानी फेंक दीजिए। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और उबलता हुआ पानी ताकि सारे आलू उसमें डूब जाए। इसे 10 मिनट के लिए ढक के रख लीजिए। 10 मिनट के बाद पानी को हम फेंक देंगे और आलू को हम टिश्यू पेपर लगी हुई प्लेट पर निकाल देंगे। इसे अच्छे से ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने पर इसे हम एक बोल में डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे 1/2 बड़ा चम्मच कोई भी पकाने वाला तेल। इसे अच्छे से अब मिला दीजिए। एयर फ्रायर को ऑन करके M बटन दबा के फ्राइज मोड पर लेकर आइए। अब हम टाइमर को 14 मिनट पर लेकर आएंगे। 2 मिनट के लिए एयर फ्रायर को प्री हीट होने पर बास्केट को बाहर निकालेंगे और अब बास्केट में अब गोल आकार में कटा हुआ पार्चमेंट पेपर रख लेंगे। कटे हुए आलू को अच्छे से फैला कर बास्केट में डाल दीजिए। इसे अब हम 6 मिनट के लिए एयर फ्राई करेंगे। 6 मिनट के बाद चिमटे से आलू को अच्छे से हिला दीजिए। अब इसे हम 6 मिनट के लिए फिर से एयर फ्राई करेंगे। 6 मिनट के बाद इसे आप प्लेट में निकाल दीजिए। इसमें अब हम डालेंगे हल्का सा नमक और आपके क्रिस्पी और क्रंची फ्रेंच फ्राइज तैयार है।